Hello everyone. Today I'm going to continue the remaining pages of Literature Reader Chapter 3rd, Jamaican Fragment, Part 2. Let's move on the main content of this chapter. Let's continue. The next morning, the boys were there again, and a man was standing at the gate watching them. Same situation. Next morning, दोनों बच्चे फिर से उस गार्डन में खेल रहे थे एंड अ मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट और एक दूसरा व्यक्ति गेट के पास खड़ा वॉचिंग देम उन्हें देख रहा था। आई स्टॉप्ड एंड लुक्ड जस्ट टू सी व्हाट द व्हाइट बॉय वॉज मेकिंग हिज लिटिल सर्वेंट डू। मैं रुका यह देखने के लिए कि क्या आज भी वो जो व्हाइट बॉय है वो उस ब्लैक बॉय को कुछ ऑर्डर पास करेगा। टू माई यटर एस्टोनिशमेंट द लिटिल डार्क बॉय वॉज स्ट्राइडिंग इम्प्योरसली up and down the lawn, while the white youngster walked exactly behind him. The situation is changed. Exactly, it means very humbly. अब आज देखिए आज सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। अब जो डार्क बॉय था वो बिल्कुल authoritatively means आधिकारिक रूप से वो टहल रहा था और उसके पीछे पीछे वो white boy जो है follow कर रहा था। Get me a banana. The little white boy ran into the house and reappeared shortly with banana. उसने ऑर्डर दिया गेट मी बनाना और लिटिल white boy उसको अब फॉलो कर रहा है। It means today is the scenario is totally changed. अब जो white boy है वो as a servant work कर रहा है और black boy जो है ऑर्डर दे रहा है। Next please continue. Peel it for me. The little white boy peeled the banana and handed it to the dark master. अब जैसा जो dark boy यानी black boy कह रहा है उसको white boy follow कर रहा है। I saw it now. It was indeed a game. अब उसे confirm हो गया कि ये एक तरह का game है। A game I had played as a child. एक ऐसा game जिसको मैंने भी अपने बचपन में खेला था। Each boy took it in turn. Every alternate day to be the boss. ये जो गेम है वो अल्टरनेट आज अगर कोई बॉस बना है तो नेक्स्ट डे वो दूसरा बॉस बनेगा और वो उसका सर्वेंट बनेगा। द अदर द स्लैब इट हैड बीन ग्रेट फन टू मी एज अ यंगस्टर और ये जो गेम है वो मुझे जब मैं यंगस्टर था तो मुझे बहुत इस गेम से फन यानी मुझे बहुत अच्छा लगता था मजा आता था। आई स्माइल्ड एट आई रिमेम्बर्ड अब मैं अपने उन दिनों को याद करके स्माइल किया मुस्कुराया। आई लुक्ड एट द मैन स्टैंडिंग बाय द गेट ही वॉज अ वाइट मैन आई रिमेम्बर्ड व्हाट आई हैड थॉट यस्टरडे अब देखिए सिचुएशन एक दिन पहले जो हमारा राइटर है वो जमैकन है यानी ब्लैक मैन है तो उसने अपने रेस को यानी अपनी जाति को देखा कि किस तरीके से व्हाइट मैन उसे इन्फीरियर कर रहा है उसे ऑर्डर पास कर रहा है बट यहाँ सेम सिचुएशन आज टोटली चेंज है। अब यहाँ व्हाइट बॉय जो है वो एज अ स्लैब काम कर रहा है और ब्लैक बॉय उसे ऑर्डर दे रहा है और ठीक गेट के पास एक व्हाइट मैन उसे देख रहा है तो राइटर को ऐसा फील हुआ कि इट शुड बी थिंक लाइक मी मेरी तरह ही सोचेगा। ही नो डाउट आई थॉट टू माई सेल्फ वॉज वंडरिंग इफ द ब्लैक रेस इज सुपीरियर टू द व्हाइट बिल्कुल ठीक इसने कहा कि वो भी ये सोच रहा होगा कि जो ब्लैक रेस है वो सुपीरियर टू द व्हाइट यानी व्हाइट बॉय पर वो हावी है। आई लाफ्ड जेंटली टू माई सेल्फ मैं खुद पर मुस्कुराया। हाउ वंडरफुली एबल वी आर टू असाइन डीप मोटिव्स टू द चाइल्डिश एक्शंस डीप मोटिव्स तो बच्चों में भी कभी कभी बहुत ऐसे मोटिव्स मिलते हैं जिससे कि हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। दिस मैन I thought to myself, will puzzle all day on whether the blacks will eventually rise and rule the world because he thinks to seize a little black boy realize at the tender age his superiority over the white. जैसा उसने एक दिन पहले फील किया था कि white man superior than black boy. तो वही चीज अब आज ये फील हो इसको फील होगा कि कैसे एक जो black boy है वो व्हाइट मैन व्हाइट बॉय पर सुपीरियर है यानी उसको उस पर ऑर्डर पास कर रहा है। आई विल सेव हिम
हिज पजल, मैं उसे उसके इस पजल इन कंफ्यूजन को से बचाना चाहता था. आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम, आई वेंट अक्रॉस टू हिम. और मैं चाहता था कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं कि ये कुछ ऐसा नहीं बल्कि एक तरह का गेम है. आई वेंट अक्रॉस टू हिम और मैं उसके पास पहुंच जाता हूं. आई नो वॉट यू आर थिंकिंग, आई सेड, मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होगे. यू आर थिंकिंग दैट मे बी द ब्लैक रेस इज सुपीरियर टू द व्हाइट बिकॉज यू जस्ट सॉ द लिटिल डार्क यंगस्टर ऑन द लॉन ऑर्डरिंग द लिटिल व्हाइट बॉय अराउंड. मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि जो ब्लैक बॉय है वो व्हाइट बॉय पर सुपीरियर है, मतलब उसकी जो रेस है वो सुपीरियर देन व्हाइट. बट ऐसा नहीं है, डोंट थिंक दैट, आप ऐसा मत सोचो. इट्स अ गेम दे प्ले, एक तरह का गेम है जो वो खेल रहे हैं. अल्टरनेट डेज वन इज बॉस द अदर सर्वेंट, मतलब एक दिन एक बॉस बनेगा और दूसरा सर्वेंट. इट्स अ ग्रैंड गेम, ये बहुत ही शानदार गेम है. आई यूज टू प्ले इट इन मे बी सो डिड यू, और शायद आपने भी खेला होगा. Yesterday I saw the little white boy bossing the dark one and I worried all over the dark. यानी मैं एक दिन पहले जब मैंने देखा तो जो व्हाइट बॉय है वो बॉसिंग, मतलब वो एज अ बॉस का रोल उसने किया था, और जो डार्क है वो एज अ स्लेव. डार्क बॉयज रिएक्शन ऑफ हिज इन्फीरियरिटी सो यंग इन लाइफ, और मुझे ये फील हो रहा था कि किस तरीके से इन्फीरियरिटी द स्टेट ऑफ नॉट बींग एज गुड एज समबडी समथिंग एल्स, मतलब नीचा दिखाना एक तरह से कि इस छोटी सी उम्र में वो व्हाइट बॉय के मन में ऐसा, मतलब कैसे थिंग्स को डेवलप किया गया कि वो ब्लैक बॉय को इन्फीरियर कर रहा है, मतलब उसे नीचा दिखा रहा है. वी आर सिली, वी ग्रोन अप्स, aren't we? द मैन वॉज सरप्राइज एट माई आउटबर्स्ट. आउटबर्स्ट में उसका एडवांस बोल पड़ना, अचानक बोलना, जैसे कि सपोज करिए आपने किसी से एडवाइस मांगा हो और वो तब आपको एडवाइस दे, तो इट्स ओके. बट बिना एडवाइस मांगे अगर कोई बोलते चला जा रहा है तो आपको अजीब लगता है ना. द मैन वॉज सरप्राइज, यहाँ भी वो जो मैन था वो सरप्राइज हुआ एट माई आउटबर्स्ट, मैं अचानक बोलने लगा. ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल, उसने मुझे देखा और एक स्माइल दिया. आई नो ऑल अबाउट द गेम, ही सेड. द मैन एक्सप्लेन दैट ही नो ऑल अबाउट द गेम, वो इस सब गेम के बारे में जानता है. द बॉयज आर ब्रदर्स माय सन्स, बॉयज आर ब्रदर्स माई सन्स, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और दोनों भाई हैं. ही पॉइंटेड टू अ हैंडसम ब्राउन वुमन ऑन द बेरांडा हु हैड जस्ट कम आउट टू कॉल इन द चिल्ड्रन, जो अभी अभी बेरांडा में आई है और वो अपने बच्चों को आवाज लगा रही है. दैट्स माई वाइफ, ही सेड, वो मेरी पत्नी है. आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया. माई स्पिरिट लाफ्ड विद इन मी, और मेरी अंतरात्मा उस पर अंदर अंदर हंस रही थी. दिस इज जमैका, आई सेड इन माई हार्ट, दिस इज माई कंट्री माई पीपल. I looked at the white man, he smiled at me. We'll miss the charm if we don't hurry, he said. उसने कहा, उसने उस white man को देखा और जो कि smile कर रहा था, फिर वो कहता है कि we'll miss the charm if we don't hurry. अगर मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा तो मेरी charm miss हो जाएगी, he said. L. Henrik. Okay, children? Now, I'm going to stop here. Hope you all have to understood this chapter very well. The next session, I will solve the exercise of this chapter. Till then, keep study. Goodbye.